जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत ही खास वीडियो, बीएड सेकेंड ईयर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम करने के हवाले हैं आपकी जो तो मुख्य सीरीज है अवध सीरीज और ज्ञानोदय सीरीज, इन दोनों सीरीज में जितने भी पार्ट ए के क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसको हम समझने वाले हैं अपनी आसान से भाषा में। तो बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और प्रायोरिटी शिक्षा, इसके हम शॉर्ट आंसर्स देखेंगे और शॉर्ट मतलब 10-10 क्वेश्चंस करके देखेंगे, एक बार सारे नहीं, ठीक है। तो देखिए, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और प्रायोरिटी शिक्षा ये तीन मुख्य टॉपिक्स है आपका। इसमें जो शैक्षिक प्रबंधन है इससे संबंधित जितने भी समस्याएं हैं आज उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, और इस मामले में तो हम बहुत अच्छे हैं किसी चीज़ को मैनेज करने में। अच्छा, जब हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, किसी चीज़ की मैनेजमेंट प्रबंधन करते हैं, तो हम क्या चीज़ें करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर किसी के घर शादी हो और वहाँ के खिलाने की जिम्मेदारी आपको दी दी जाए, आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक प्लानिंग करेंगे, एक योजना बनाएंगे कि इस सारे कार्य को करना कैसे। दूसरा, आप क्या करेंगे, जितने भी लोग उसमें शामिल है आप उन्हें निर्देश देंगे, डायरेक्ट करेंगे, और जो कार्य कर रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उस पर नियंत्रण रखेंगे, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप और लोगों को बुलाएंगे और एक संगठन तैयार करेंगे। इस हिसाब से आप किसी चीज़ किसी शादी वाले फंक्शंस को आप मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, प्रबंध का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को योजना बनाना, संगठन करना, नियुक्ति करना, निर्देशन करना और कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अब आइए किताब की भाषा में देख लेते हैं कि किताब में क्या लिखा है। तो देखिए, प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को, कौन कौन से कार्य, जैसे नियोजन करना, प्लानिंग करना, संगठन करना, नियुक्तिकरण करना, निर्देश व नियंत्रण करने को संपन्न किया जाता है। मतलब इस सारे कार्यों को समूह कार्य सारे कार्यों के समूह को संपन्न किया जाता है, किस लिए, किसी कार्य को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए, इसी चीज़ को हम प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। अब प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक शक्ति है जो किसी व्यवसाय को संचालित करती है तथा उसकी सफलता अथवा असफलता के लिए उत्तरदायित्व तो होती है। जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी उतना ही आपका कार्य सफल होगा, जितनी खराब मैनेजमेंट होगी उतना ही आपका कार्य क्या होगा, असफल होगा। सेम चीज़ को इंग्लिश में लिख दिया गया कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस इन विच अ सेट ऑफ अ टास्क विच सेट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग रिक्रूटिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज कैरिड आउट। इन सारे कार्य को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू गेट वर्क डन इफिशियंसली एंड इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से और कुशल ढंग से कार्य करने के लिए सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द फोर्स दैट रन बिजनेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट सक्सेस और अनसक्सेस। सफलता और असफलता के लिए मैनेजमेंट ही उत्तरदायित्व तो होता है। तो ये होता है प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन का अर्थ का क्या मतलब हुआ, देखिए आसान भाषा में अगर आप समझ जाएंगे ना, पूरी किताब इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, आने वाले सारे प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे कि प्रबंधन का मतलब क्या होता है, नियोजन करना, प्लानिंग करना, संगठन करना, कंडक्ट करना, निर्देशन करना मतलब डायरेक्ट करना, और कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। अगर ये सारी चीज़ें समझ गए मतलब आगे के सारे सवाल आपके लिए बहुत आसान होंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रबंधन की परिभाषा क्या होती है। इसीलिए मैंने इससे पहले ज़्यादा एक्सप्लेन किया क्योंकि परिभाषा भी इसी से रिलेटेड है। जे क्लो ने क्या कहा, प्रबंधन क्या है भैया, निर्णय लेने और नेतृत्व करने की एक कला और विज्ञान है। मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। आपको नेतृत्व करना और निर्णय लेने की कला और विज्ञान ही प्रबंधन है, हो गया। बस यही क्या है, परिभाषा है प्रबंधन की जे क्लो के द्वारा, ठीक है। एक दूसरी परिभाषा देख लेते हैं कि प्रबंधन की परिभाषा क्या होती है मैनेजमेंट की, पूर्व अनुमान करना, आपको पहले से अनुमान कर लेना है, ठीक है, तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना ही प्रबंधन कहलाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, हेनरी फॉयल के द्वारा, और हेनरी फॉयल ने भी काफ़ी सिमिलर डेफिनेशन दिया, जैसे पूर्व अनुमान करना, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश बनाना, समन्वय करना मतलब कोरिलेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना, यही तो क्या है प्रबंधन कहलाता है हेनरी फ्लो के द्वारा। तो इस हेनरी फ्लो के द्वारा, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्लो, टू मैनेज द फोरकास्ट एंड टू प्लान ऑर्गेनाइज कमांड कोरिलेट एंड कंट्रोल, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हो गई प्रबंधन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, प्रबंधन की विशेषता क्या होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रबंधन, आई मीन नॉट प्रबंधन, ऑफ मैनेजमेंट, इसकी विशेषता क्या होगी। तो कोई भी मैनेजमेंट होता है ना, वो एक उद्देश्य पूर्ण होता है, उसका एक पर्पज होता है, ठीक है, और गोल ओरिएंटेड होता है, उसका एक लक्ष्य निर्धारित होता है, और सार्वभौमिकता तो यूनिवर्सिटी होता है, और सतत प्रक्रिया मतलब ऑनगोइंग हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रबंधन को आप ऐसा नहीं कि बस आपने एक बार कमांड दे दिया और वो चीज़ें करने लगी, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ओके। तो प्रबंधन की विशेषता है कि ये उद्देश्यपूर्ण होता है, पर्पजफुल एक्टिविटीज होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सिटी और सतत प्रक्रिया क्या है भाई,
मैनेजमेंट है। अब यहाँ काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि शैक्षिक प्रबंधन, अभी तक हम प्रबंधन देख रहे थे लेकिन हम यहाँ बात करें शैक्षिक प्रबंधन मतलब एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो भैया जब प्रबंधन का मतलब योजना बनाना, संगठन बनाना, नियंत्रण करना, निर्देश करना, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, डायरेक्टिंग है, तो शैक्षिक प्रबंधन क्या हो गया? तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन मतलब एजुकेशन के फील्ड में ये सारी चीजें करना शैक्षिक प्रबंधन कहलाएंगी। इसी चीज को तो यहाँ पे लिखा गया है कि शैक्षिक प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस प्रबंधन, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन के द्वारा विभिन्न अधिकारियों तथा व्यक्तियों के उत्तरदायित्व तथा उनके स्थिति क्रम निर्धारण करने के साथ साथ कार्यप्रणाली निर्धारण एवं संचालन किया जाता है। निर्धारण भी करना है कार्यप्रणाली का और संचालन भी करना है। आपको यह भी बताना है कि आपको ये कार्य करना है, साथ ही साथ आप उनका संचालन भी करेंगे, ये भी देखरेख करेंगे कि जो आपने कार्य निर्धारित किया वो सही रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति का संसाधन जुटाता है, नीति निर्धारित करता है तथा भविष्य के लिए योजना बनाने का भी कार्य करता है। सेम चीज को इंग्लिश में लिख दिया गया, एजुकेशनल मैनेजमेंट इज द मेड अप ऑफ टू वर्ड, एजुकेशन प्लस मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट इज नोन एज एजुकेशन मैनेजमेंट। सेम चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत कौन से, द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चीजें समझ गए तो आपको आगे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके सिद्धांत कौन कौन से, क्योंकि उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया और आपके सारे आंसर्स भी इसी से निकलने वाले हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन प्रक्रिया के सिद्धांत महान विचारक लूथर गुलिक ने प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत 7 अंगों का प्रतिपादन किया। किसने किया भैया, महान विचारक लूथर गुलिक ने 7 सिद्धांत बनाए हैं और जिसको संक्षिप्त में एक सूत्र दिया जिसको हम पोस्ट कार्व कहते हैं, POSDCRB, पोस्ट कार्व का एक सूत्र दिया महान विचारक लूथर गुलिक ने और उन्होंने इस 7 अंगों को शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत बता दिए। अब POSDCRB पोस्ट कार्व को कहते क्या है, P फॉर प्लानिंग, देखिए वही चीजें रिपीट होंगी, P फॉर प्लानिंग योजना बनाना, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन बनाना, S फॉर स्टाफिंग कर्म की नियुक्ति करना और D फॉर डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन करना, C फॉर कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, R फॉर रिपोर्टिंग प्रतिवेदन करना, B फॉर बजटिंग बजट की व्यवस्था करना, POSDCRB। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि पोस्ट कार्ड से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी भाषा में लिखिए कि महान विचारक लूथर गुलिक के द्वारा शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत के रूप में ये 7 अंक दिए गए हैं जिसको पोस्ट कार्ड के सूत्र के नाम से जाना जाता है और इसका व्याख्या इसी प्रकार है, जैसे फिर से वही चीज पोस्ट कार्ड को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं और प्लानिंग के अंदर आप अपने अपने विवेक से लिख सकते हैं, आप अपने ध्यान से लिख सकते हैं कि प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, जैसे स्कूल्स के अंदर क्या क्या प्लानिंग करना है कि कैसे कार्य करना है, कब बच्चों को आना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, तो प्लानिंग करना है और ऑर्गेनाइजेशन संगठन करना है, तो पोस्ट गार्ड का कहने का मतलब यही होता है, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। योजना बनाना, संगठन करना, कर्म नियुक्त करना, निर्देशन करना, समन्वय स्थापित करना, प्रतिवेदन करना और बजट व्यवस्था करना, यही पोस्ट कार्ब का क्या है, व्याख्या है, यही शिक्षक प्रबंधन के क्या है, सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य। ओके, शैक्षिक प्रबंधन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, कि शिक्षा प्रबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना, शिक्षा हेतु समाज व शिक्षा संस्था के सकारात्मक परिवेश बनाना, यहाँ माफ कीजिएगा इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा बट वही चीज में कि टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा है दोस्तों, शिक्षा हेतु समाज व शिक्षा स्थानों के सकारात्मक परिवेश बनाना, मतलब समाज में और शिक्षण संस्थानों में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना शैक्षिक प्रबंधन का क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि ये जवाबदेही कौन होता है, किसका उत्तरदायित्व है, एक निश्चित कमेटी बनाना और ये शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य हो गया। छात्रों के पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब आपके लेसन्स और प्लान्स के साथ साथ और भी जो चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्काउट गाइड, खेल कूद, टूर जाना, ये सारी चीज़ें इनको भी इनकी भी विकास करना, इनको भी साथ साथ लेके चलना शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य होता है और शैक्षिक नीतियों का तथा कार्यक्रमों का निर्माण करना, ठीक है, शिक्षा की पूरी प्लानिंग करना, कार्यक्रम का निर्माण करना, ये क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं।
अब इस वीडियो को खत्म करेंगे बस छोटे छोटे और प्रश्न के साथ। शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र कौन से हैं भैया? तो क्षेत्र में यही होंगे, छात्र प्रबंधन करना, स्कूल में कर्मियों का प्रबंधन करना, स्कूल में पाठ्यक्रम, मतलब आप उसी पॉइंट से भी आप शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र लिख सकते हैं। शिक्षा बजट की व्यवस्था में आप शैक्षिक प्रबंधन का कार्य होता है, शैक्षिक संस्थानों के संगठन एवं प्रबंधन का कार्य होता है, जनसंपर्क प्रबंधन और शिक्षा का संचार प्रबंधन, ये शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र हो गए। ओके, नेक्स्ट है प्रबंधन की हम बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन। अब सारी चीजें विद्यालय के अंदर प्रबंध करना, विद्यालय प्रबंध से क्या अभिप्राय है? विद्यालय प्रबंध से अभिप्राय है कि किसी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना और उसे बेहतर क्रियान्वित करना तथा उसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। मतलब आसान भाषा में विद्यालय प्रबंधन का क्या मतलब है? विद्यालय से संबंधित योजना बनाना, ठीक है, जो भी विद्यालय के उद्देश्य है उसके लिए आपको योजना बनाना है, उसको क्रियान्वित करना है, उसके लिए प्रयास करना है, विद्यालय से संबंधित। तो ये विद्यालय प्रबंधन का अर्थ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि भारत में विद्यालय प्रबंधन व प्रशासन के स्तर बताइए, मतलब कितने लेवल के आप वहाँ पे मैनेजमेंट देख सकते हैं, मतलब कितने लेवल के होते हैं। तो सबसे पहले विभागीय स्तर, मतलब डिपार्टमेंट लेवल, दूसरा आंतरिक स्तर, आंतरिक स्तर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद देखिए प्रबंध समिति मतलब मैनेजिंग कमेटी। तो डिपार्टमेंट लेवल तो समझ में आ गया, जैसे मैं साइंस का हूँ तो साइंस डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, बायो डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट लेवल पे क्या होता है आपका मैनेजमेंट होता है। आंतरिक स्तर नेक्स्ट है प्रबंधन समिति, एक मैनेजिंग कमेटी होती है जो पूरे स्कूल को कंट्रोल करती है। आंतरिक स्तर का क्या मतलब हुआ? आपके विद्यालय के अंदर आंतरिक स्तर पे एक मैनेजमेंट होता है जो कि कुछ आंतरिक कार्य को संभालता है, जैसे विद्यालय में प्रवेश लेना, ठीक है, उसके सिलेबस डिसाइड करना, परीक्षा कार्यक्रम बनाना, ठीक है, शिक्षण अधिक्रम क्रियाकलाप, और शिक्षा के अलावा जो कार्य होते हैं वो प्रेयर्स हो गया, लंच हो गया, इन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजमेंट होती है, तो उसको आंतरिक स्तर पर प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्तर की बात। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस वीडियो को खत्म करेंगे एक छोटे पॉइंट के साथ, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शैक्षिक प्रबंधन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। अगर मैं आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट दे दूँ तो उसके अंदर छोटी छोटी समस्याएं क्या आ सकती हैं, जैसे सहयोग और समन्वय का अभाव। वैसे जरूरी नहीं है कि हर एक टीचर से, हर एक स्टाफ से आपको समान रूप से सहयोग मिले, ठीक है, समान रूप से आपका कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो लैक ऑफ द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ये एक समस्या आ सकती है। ठीक है, शिक्षा पर नियंत्रण की समस्या, आप कंप्लीटली एजुकेशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि किसको क्या करना है वो अपने हिसाब से करेंगे। अगर आप मैनेजमेंट देख रहे हैं तो कंप्लीटली आप कंट्रोल नहीं कर सकते। समग्र मूल्यांकन की समस्या, हर एक बच्चों के हर एक चीज़ की आप इवैल्यूएशन से मूल्यांकन नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे शिक्षा का मतलब होता है कि एक बच्चे का सर्वगीण विकास हो, एजुकेशन के साथ साथ मस्तिष्क, बौद्धिक, उसके व्यवहारों में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें, तो आप इसको मूल्यांकन नहीं कर सकते किसी बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। तो समग्र मूल्यांकन की एक समस्या रहती है। ठीक है, कुशल मानव संसाधन की समस्या होती है, वित्तीय अनुदान एवं धन की समस्या होती है, प्रॉपर कभी कभी आपको उतने अनुदान और धन नहीं मिल पाते। तो दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न थे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड आप लॉन्ग आंसर्स भी अपने मन से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि शैक्षिक प्रबंधन या विद्यालय प्रबंधन या केवल प्रबंधन से संबंधित कितने भी प्रश्न अगर आएंगे, अगर आप इस वीडियो को देख के समझ गए हैं चीज़ों को, तो डेफिनेटली आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बीएड में आपको अपने शब्दों में ही लिखना है, किताबी भाषा आप नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको व्यवहारिक और बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और वो चीज़ें जो हमेशा मैं वीडियो क्लास में कहता हूँ फिर से मैं रिपीट करूँगा, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल से जुड़ जाइए और एक सपोर्ट करिए, एक साथ दीजिए, मुझे हौसला बढ़ाइए ताकि ऐसे ही मैं और लेसन्स को एक्सप्लेन करता रहूँ और यूनिट्स को और पूरे सिलेबस को इसी तरह आपसे एक्सप्लेन करता रहूँ। दोस्तों कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा, प्लीज़ आपके कमेंट मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई हो तभी बताइएगा, मैं ताकि अगले वीडियो में और इसे इम्प्रूव करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।